हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल मैथ्स विद आर्ना। आज हम क्लास 10 का क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आइए हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इज द ट्रैफिक लाइट एट थ्री डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, देन एट वॉट टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली। तो वो जो चेंज होंगी वो इनके एलसीएम पे चेंज होंगी, जो इनका एलसीएम होगा। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना होता है, तो हम अपना एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे दे विल चेंज अगेन, अरे गलत हो गया, ऐसे लिखो, टू फाइंड द टाइम दे विल चेंज अगेन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम 48 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 × 3, ये हमारा क्या आ गया, 48 आ गया। फिर हम निकालेंगे 72 के, तो वैसे तो हम खुद भी लिख सकते हैं लेकिन दिखा दीजिए, 36, 18, 9, 3, 3, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब हम निकालेंगे 108 के फैक्टर, (108), 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 2 का स्क्वायर × 3 की पावर 3। अब हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 4, तो आपका आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो यहाँ पे आपका आएगा 3 की पावर 3। 2 की पावर 4 होता है 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 27, तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, 4:32, यानी कि आफ्टर 4:32 सेकेंड्स बाद जो ये आपकी ट्रैफिक लाइट्स हैं ये दोबारा से चेंज होंगी। तो अब इनको अगर मिनट में चेंज करें, आफ्टर 4:32 सेकेंड्स द ट्रैफिक लाइट्स विल चेंज अगेन, ठीक है। तो 4:32 सेकेंड्स का मतलब रफली निकाल लीजिए कितना होगा, यहाँ पे भी निकाल के देख सकते हो। तो 6:60, 7 ज़ा 4:20, 12, यानी कि 7 मिनट। तो आपका टाइम लिख देते हैं हम सीधा, द टाइम दे विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली इज 8:07, 12 AM, यानी कि 8:07 पे और 12 सेकेंड बाद वो दोबारा से चेंज होंगी। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।